अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना और तंदुरुस्त भी रहना, क्योंकि ऐसी हवाएं बहुत आती है जिंदगी में। चलो, मैं रिकॉर्डिंग डाली, आपने सुना ही होगा ना, क्योंकि मैं मेरी सच्चाई दिखा रही हूँ। मैं सच्चाई है मेरे अंदर और मैं सच्चाई से रहती हूँ, और सच्चाई के साथ ही ये सब चीजों में जो फंसी हूँ ना, बस ये सच्चाई के लिए ही फंसी हूँ। तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है ना। सच्चाई है तो एक्सेप्ट करो, और उसके अंदर सारी सच्चाई दिख रही है। तो चलो, पहले तो दूसरी बातें करते हैं जो इनको बहुत ज्यादा मेरी फिक्र रहती है ना, मेरी जिंदगी को लेके, मेरे बच्चों को लेके और मेरे भंगड़ी चोर को लेके। तो पहले तो ये बताती हूँ। और हाँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, वो भी इसको फिक्र रहती है, ब्योड़ी को। क्यों मालूम है? क्योंकि देख, मैं नमाज पढ़ती हूँ ना, तहज्जुद पढ़ती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ, क्योंकि मैं वो चीजों में शामिल रहती हूँ। अब तेरे जैसा तो नहीं, 1 बजे उठ के मेरे इंस्टा की फैमिली अब भी उठी, देखो मैं नाश्ता करी था। बेवड़ी पी के सोएगी तो 1 बजे ही उठेगी ना तू, क्योंकि देख, अब मैं ना बहुत जरूरी हो गया तेरी भाषा में और तेरी असलियत दुनिया को दिखाना। क्योंकि मैं जो 3 साल से इसको इग्नोर कर रही थी ना, तो मैं जानती थी कि तुम्हारी औकात क्या है और तुम कितने हद तक गंदगी और तुम कितने हद तक गिरते हो। तो इसीलिए ना इसको इग्नोर कर रही थी और इसमें पैर हाथ नहीं फंसाना चाहती थी, कि मुझे पता था कि छींटे नहीं, पूरी गंदगी मेरे ऊपर उड़ेगी। और वो तुम्हारी जबान से दिखा रहे हो, और मैं चाहती थी कि जो तुम लोगों के सामने मेकअप और कपड़ों की आड़ में घूमते हो ना, तो तुम्हारी असलियत और तुम्हारी औकात क्या है ना, तो तुम्हारी जबान से दिखाना चाहती थी, और वो तुम दिखा रहे। और ये मैं नहीं, अल्लाह का हुक्म हो रहा है कि ये दिख रहा है। मेरे बेटे को बोलती है कि मेरा बेटा दल्ला है, अच्छा हुआ तेरे पेट में लड़की नहीं है। तो सुन, अल्लाह ने ना दोनों की अहमियत रखी है, लड़कों की और लड़की की। तो मैंने कभी ये चीज को, कभी लड़की को लड़के को अलग नहीं समझी। अल्लाह की अहमियत, जो बच्चों के लिए अल्लाह ने अहमियत रखी है ना, वो समझी। तो आज तेरे को वो अहमियत तेरे को तो मालूम नहीं है, जाहिल तेरे को, खाली ना बड़े पीर सरकार ने दे दिया है, तो तेरे को ना कुछ भी इस्लाम का मालूम नहीं है। तो खाली बक बक कर सकती है, गंदगी बोल सकती है। तो मैं तेरे को बताती हूँ, सुन, लड़के की अहमियत और लड़की की अहमियत। लड़की हुजूर को बहुत पसंद है, और लड़के अल्लाह ने उसकी भी अहमियत रखी। क्यों मालूम है? जब तू मरेगी ना, तो तेरी लड़की है ना, तेरे कब्र पे बैठ के रोएगी, और जो मैं मरूंगी ना, तो मेरे बेटे ना कब्र तक लेके जाके दफनाएंगे। तो ये 2 अहमियत है, समझी, कि लड़की रो सकती है कब्र पे बैठ के। जब तक लड़के नहीं होंगे ना, तब तक वो कब्र तक लेके भी नहीं जाएंगे, क्योंकि लड़कों का ही कंधा चाहिए। तो सुन, लड़के की अहमियत भी अपनी जगह है और लड़की की अहमियत भी अपनी जगह। और तेरे पास भी तो एक लड़का है ना, क्यों नहीं दिखाती है दुनिया को लड़का? वो बेचारा रिहाब में डाली ना रे तूने उसको। तू तो मेरे बेटे को बोलती है अली को नशेबाज है, चोर है, वो तो हमेशा मेरे साथ ही रहता है, हमेशा मेरे पास ही रहता है। तेरे बेटे को क्यों रिहाब में डाले ली तू? कहाँ पे डाले ली? पनवेल, कपोली, कपोली में। देख, मैं भी सब चीजें रखती हूँ, लेकिन तू जितना बोलेगी ना, उससे ज्यादा मैं बोलूंगी। लेकिन अभी भी बोलती हूँ कि मैंने तेरे पर विश्वास करी थी और तेरे बातों का हामी भर के मैंने बहुत कुछ लुटा दिया, और अब तू वो बवाद से किनारा करती है, तो गलत है ना। तू पहले ये चीज किनारा करना चाहिए था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं तब समझ जाती थी कि ये चाल है या भी सच्चाई है। मैंने तो तेरी बात पे विश्वास करी थी। जलगांव में, जलगांव की बेटी को नहीं बुलाती? तेरी बेटियों को तो क्या तरबियत दी है तू, क्या जबान है तेरी बेटी की, माशाल्लाह माशाल्लाह। देख, मैं तो लड़कों को, मेरे लड़के, मर्द बोलते ना, मर्द किसी का सुनते नहीं, मर्द, देख मेरे मर्द ही है। मेरी बेटी के लिए मेरे बेटे का हाथ मांगी थी ना अमीन का, तो मैंने क्या बोल दिया, वो तो छोटा है रे, तेरी लड़की बहुत बड़ी है ना। मैं तो तभी ऐसा बोल के तेरे से दोस्ती में रहती थी। तो सुन, लड़के लड़की मत कर, जो मेन बात है ना, वो बात पे आ। कभी बोलती है वो सच्चा है बंगड़ी चोर, कभी बोलती है वो, ये लोग मिलके झोल करते। एक बात पे रे, एक बात पे रे, ये जो मैंने रिकॉर्डिंग डाली हूँ ना, ये बताने के लिए कि मैं उस पे, जब वो मेरा शौहर था, मैं उसी के साथ उसकी बात के आगे कभी नहीं जाती थी, उसकी बात पे आसमान तक भरोसा करती थी। तो ये चीजें मेरे सामने लाई गई, उसके बाद तूने फोन किया तो ये चीजें मेरे सामने आई गई। उसके पहले सब कुछ तो मेरा लूट ही चुका था, तो भी खामोश थी, खामोश थी कि चल जाने दे, अब जो हो गया, क्योंकि अपने दर्द में ही डूबी हुई थी। और क्या बोलती थी लोगों को कि इधर कोई मिला नहीं तो बुड्ढे को उधर जाके पकड़ी। देख, ये तो अल्लाह की मर्जी होती कि अल्लाह जिसकी किस्मत का जाल लिखता ना, वो वहीं पे उसको मिलता है। और देख, मैंने तो करी ना, हक हलाल से करी, और आज भी उबे अबे सीना टोक के बोलती हूँ, वो भले बंगड़ी चोर है, वो नीचे जो भी है, आज भी उसकी निकाह वाली औरत हूँ मैं। और तू दुनिया की कोई भी चीज को लाके खड़ा कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आज भी मैं उसकी निकाह वाली औरत हूँ। और दूसरी,
आज मैं तेरे बहुत सारे तेरे कल में सुनी तेरी बेटी के, मैं यही दिखाना चाहती थी लोगों को कितनी शराफत से इसकी लड़की जीती है। क्या बोलती, मैं तो मेरे मर्द का नहीं छोड़ी, मेरे मर्द को नहीं छोड़ी। देख तेरी लड़की ने अपने मुंह से बोली ना, जो ऐसी तरबियत जिसकी माँ ने दी होगी तो वो क्या किसी के घर में संसार करेगी रे, वो कभी नहीं कर सकती किसी के घर में संसार। मेरी तरबियत देखती मेरे बच्चों की, आज तुम इतना गंदा बोलते, इतना गंदा मुझे बोलते, मेरे बच्चों को बोलते, तो भी आज मेरे बच्चे अपनी इज्जत अपने सब कुछ लेके मेरे लिए खड़े। ये होती है तरबियत और ये होते खानदानी लोग। तो तूने तेरे बच्चों को क्या दी, यही दी जो तेरी लड़की दुनिया के सामने बोल रही है, अखे वर्ल्ड के सामने बोल रही। और तेरी लड़कियों को कितना मालूम है ना रे, कौन से नाके पे, कौन से रोड पे क्या, कौन सी औरत क्या करती है क्या नहीं करती है, तो तुमको हर जगह का मालूम है, हर औरत को तुम किस तरीके से यूज करते हो, हर तरीके से तुम औरत को वलगारते हो। और जैसे कि तूने मुझे भी तो करी थी, भूल गई, चल रहा मैं जा क्लब में बैठती हूँ, अन्ना लोग तेरे को बहुत पसंद करते रहे, तेरी साड़ी पहनने की स्टाइल दे, तो मेरे को मालूम था रे तू क्या औकात की है और तू क्या औकात में औरतों को फंसाती है। तो इसीलिए तो तेरे जैसी के साथ कभी मैं आना पसंद नहीं करी। मैं बोलती हूँ तेरी नियाज में आई, मैं मानती हूँ तेरी नियाज में आई, और तेरी नियाज में आने के बाद, बड़े पीर सरकार की नियाज में आने के बाद भी तूने मेरे कैरेक्टर पे गंदगी उछाली, तो तू क्या कैटेगरी की औरत है रे तू। और तेरी लड़की तो बहुत बड़ा ही मार रही है, 15 लाख तो हम ऐसे हक्के मुक्के फेंक देते, ऐसा क्या खाते रहे तुम लोग 15 लाख का हक्के, और मेरे को तो बस समझ में ही नहीं आई। और क्या बोलती, 3 साल से कहा गई थी, 3 साल से तू कहा गई थी, मैं तो रिकॉर्डिंग में सुनाई हूँ ना, रिकॉर्डिंग में लोगों ने सुना है, तू भी तो सुनी कि आ जा, तू क्या बोली, मैं वो बंगड़ी चोर और तू साथ में बैठ के बात करेंगे, तो मैंने तो देख कुल्ला बोला, और भी किसको भी बुला, जिसको बुलाना उसको बुला, बैठ के बात करते। मैंने कभी कोई चीज से नकारी नहीं, कोई चीज से बोली नहीं, मैं ना ये गंदगी में पड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि सच्ची में मैं खानदानी हूं रे, मेरा बाप भी खानदानी और मेरा जो पहले शौहर थे ना वो भी खानदानी थे, और खानदानी खून बोलता है, दिखता है, देखती नहीं मेरे बच्चों की तहजीब तमीज जबान लहजा, देखती नहीं है, तो ये होते खानदानी। और तेरी सो कॉल लड़कियों की तमीज देखती है, जबान देखती है, तो वो एक खानदानी दिखता है, इसमें बोलने की बात नहीं होती। और मैं ना चाहती थी कि तुम जो औरतों को जिस तरीके से तुम लोगों को डराते हो ना, जिस तरीके से तुम लोगों के घर में घुस के मारते हो, जिसको पैसा देते हो उसके पूरे खानदान को गिनते हो, तो ये मैं तुम्हारा गुंडागर्दी ना दिखाना चाहती थी। और देख मेरे पास अब कुछ रह ही नहीं गया, क्योंकि मेरा पैसा भी लूट गया, और जिससे जान से ज्यादा जिसको प्यार करती थी, जिसको अपनी जिंदगी समझ के जिसका हाथ पकड़ी थी, वो भी चोर, वो भी बेईमान निकला, तो मेरे पास है ही क्या गया। तो इससे अच्छा फिर मैं अपनी इज्जत के लिए और अपनी सच्चाई के लिए तो खड़ी रहूंगी ना, तो खड़ी हूँ। और तुम तो लपेट के बात करते हो ना लोगों के सामने के, हम तो मनोरंजन के लिए। अच्छा, तू और तेरी लड़की ये मनोरंजन करते हैं लोगों के सामने, मनोरंजन होता है ना बहुत टाइप का होता है, और जो तेरी लड़की की जबान है ना, और जो तेरी जबान है ना, वो पता चलता है कि तुम कितने टाइप के मनोरंजन कराना जानते हो, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और वन मैन शो बोलती है ना रे, आजा वन मैन शो, मैं तो सीधी साफ सुथरी बात में यही बोली हूँ कि मैं ये चीज में हूं नहीं, तुम लोगों के जरिए, तुम्हारे सगे वालों के जरिए और इंस्टाग्राम के जरिए, यूट्यूब के बुरके वालों के जरिए जो बोलते हैं, तो मैं मजबूर हो गई कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, और व्लॉग क्या करूँ, अपनी सच्चाई कहाँ दिखाऊं, थक गई हूँ मैं अपनी सच्चाई के लिए, तो दिखाना तो पड़ेगा ना, और तुम्हारी असलियत भी तो दिखाना पड़ेगा लोगों के सामने। बहुत भोली बंदी ना, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, मैं तो ऐसे ही मनोरंजन के लिए वीडियो बनाती हूँ, हो मनोरंजन के लिए ये वीडियो, और तेरे इज्जतदार लोग है ना तेरे साथ में, इज्जतदार लोग यही मनोरंजन करते हैं ना, तेरी लड़की जो लहजा बोलती है, तू जो लहजा बोलती है, जो तुम पीट देख, ये कभी किसी को पता नहीं था कि तुम असली जिंदगी में कैसे हो और लोगों के साथ में क्या बिहेव करते हो और लोगों को किस हद तक तुम दबाते हो और मारते हो। देख ये दुनिया के सामने आया कि तुम क्या हो और तुम क्या करते हो, ये खाली है ना सोशल मीडिया पे 1 मिनट का 30 सेकंड का वीडियो में जो तुम दिखाते हो ना, तुम वो नहीं हो, जो अब तुम्हारी असलियत आई है ना ये तुम हो। और एक बात और अभी अच्छा याद है, क्या बोलती, बुरके वाले लोग भी तेरे को कितना खराब बोलते, तो बोलेंगे ना, उन लोगों को चैनल नहीं चलाना है क्या अपना, और तेरे जैसी तेरे कैटेगरी के लोग है वो, तो नहीं बोलेंगे। जब तू डबल ढोलकी, पहले बोली कि तेरा आदमी ऐसा है वैसा है, तेरा आदमी नाक साफ है,
तूने सांप को पाली, वो भी सब है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अभी तो शुरुआत है रे, ये तो शुरुआत है, तू अभी तो देखते जाना आगे। और तू क्या करेगी, दुनिया के सामने तूने बोला है, तेरी लड़की ने बोला है कि तेरे दिमाग, तेरी लड़की क्या बोलती, दिमाग में घूम रही हो, क्या करेगी, मारेगी मेरे को जो तुम करते हो, सबके घर में घुस के मारते हो, सबके ऊपर इल्जाम डालते हो, क्या हमारे पर रेप किया, अभी तेरी लड़की ने नहीं बोली, तेरी मेरी माँ को लॉज में लेके गया, तुम यही कर सकते हो और तुम इसके आगे कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी हद है ना वहीं तक है, तुम वहीं तक करके ये जो पैसे का रोप दिखाते हो ना, तो वहीं से पैसा बनाओ। खानदानी लोग है ना, कभी वो पैसा देखे ना जिंदगी में, तो कभी ये सब बोलेंगे नहीं, वो मरते मर जाएंगे लेकिन कभी ये लहजा और ये जबान यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो खानदानी लोग है, नया नया पैसा देखे है ना, तो पैसे की अहमियत है तुमको, खानदान की अहमियत नहीं, तो क्या खानदानी नहीं है तुम्हारा, तो कहां से अहमियत होगी। और मेरे को क्या बोलती, सौ सौ मरद चढ़े तो मेरी माँ को बोलती है, देख सौ मरद हो कुछ भी हो, बच्चा एक ही मरद का पैदा होता है, क्योंकि सौ मरद जब चढ़ते ना, सौ मरद का बच्चा नहीं ठहरता, एक ही मरद का बच्चा ठहरता है। अब तेरे को मालूम होगा कि सौ मरद चढ़ते है कि नहीं चढ़ते, क्योंकि तुमको बहुत डिटेलिंग मालूम है, क्योंकि तुम्हारा धंधा यही है ना रे, तो तुमको डिटेलिंग मालूम है। और क्या बोलती, तेरे को कोई मिला नहीं है, बुड्ढा ही मिला, देख बुड्ढा मिला तो मैंने शादी की। अब तेरे जैसे जवानों को ढूंढने के लिए सूरत ही तो जाती है, अबे सूरत तो जाती है जवान को ढूंढने के लिए, वो भी तेरे मुंह पे थूकता नहीं है, क्योंकि फिल्टर के बिना तो तेरे मुंह पे देख रही है कैसा हो तेरा मुंह, तेरा बॉडी देख पी पी के, तेरी शक्ल देख पी पी के, तो तेरे कौन थूकेगा रे, कोई भी नहीं थूकेगा। बड़ौदा भी गई थी ना, वहां भी नहीं थूका, वहां भी मैंने बचाने के लिए तेरी लड़की को मैंने ही फोन किया था कि वो बेचारी फंस गई है। कितनी बेवकूफ हो रहा मैं कि तुम जैसे नालायक लोगों को सच्चा समझती थी, और तुम्हारे साथ में वो कैटेगरी का जिसको मैंने अपनी जिंदगी अपनी सब कुछ कुर्बान करी। ये तो बहुत सारी बातें हैं, अभी अभी तो सब आएगी। और तू क्या बोलती है कि मुहर्रम के बाद दिखाएगी, दिखा, और सच बोली, पुलिस मेरे बाप की नहीं है, इंस्टाग्राम मेरे बाप का नहीं है, और यूट्यूब मेरे बाप का नहीं है। ये जो तू करती है ना नाटक, वीडियो डालती है फिर डिलीट कर देती है, तो ये सब नाटक है ना, बंद कर, क्योंकि कोई किसी के बाप का नहीं, हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों मिलियन लोग है ना यूट्यूब और इंस्टाग्राम चलाते, तो सबको पता है। ये पब्लिक को चुतिया मत बना, जैसे मेरे को चुतिया बनाई थी ना तू बिचारी बन के, अरे मैं फंस गई रे, मेरे को मालूम नहीं था ये ऐसा किया है, और मैं तेरी बातों में आगे, हाँ सच्ची होगी बिचारी औरत, ये आदमी से दे दी होगी पैसा, और वो बाद में मेरे को वीडियो भेजता है कि मैंने तो इसको जो पैसा लेके गया था इसको गोली दे दिया। रिकॉर्डिंग सुनी, क्या बोली तूने, कुरान शरीफ की कसम खा लो मैं छोड़ दूंगी। जब मैं कुरान शरीफ की कसम खाई तो बोलती चने बटाने की जैसा कुरान शरीफ की कसम खाते, मतलब तू बोले तो सच्ची, मैं बोली तो झूठी, क्यों रे ऐसा, तुझे क्या मेरे से इतनी तकलीफ है कि वो मेरे आदमी से तकलीफ, और दे तो दी तेरे को, बिठाना गोद में उसको, और बिठाई तो है, बिचारा आना चाहता है मेरे से डर के नहीं आता बिचारा, है ना, बोले ना लोगों को कि बिचारा कितना बड़ा बिचारा है ना, वो मुझे मालूम है, और मैं कुछ भी नहीं करने वाली, तू टेंशन मत ले, क्योंकि तू है ना, तेरे तू है सांप, दो मुखी सांप है तू, कभी बोलती मिलके काम करते है, कभी बोलती वो सच्चा, कभी बोलती ये झूठा, तेरे को खुद को भी नहीं पता है कि तू क्या बोल रही है, तू क्या कर रही है, क्योंकि तू सिर्फ झूठ है और गंदगी है और दूसरों का घर तोड़ने वाली औरत है, क्योंकि ना तेरी जिंदगी में तुझे कुछ मिला नहीं था ना, तुझे कुछ मिला नहीं, और शायद मुझे तो लगता कि सच्ची में तू नाजायज औलाद पैदा करी है, तुझे मर्द का सुख मिला नहीं है, तो इसीलिए ना मर्दों की तलाश में तू ढूंढती है, मैं नहीं ढूंढती। देख मेरे को तो जो ट्रेन में मिला, उसने खुद रिकॉर्डिंग आई है कि ट्रेन में उसकी मेरी पहचान हुई, मैंने उससे बात करी, फिर मैंने उससे निकाह करी, बाप पैदा निकाह करी उसके साथ में, तो मुझे ये सब चीजें बोलने की जरूरत नहीं। और बाकी मेरे पास तो बहुत कुछ है, वेट कर, अब तक हो ही गया है खुलासा, तो आप तो चालू सब जो भी रहेगा आर या पर, और मैं भी नहीं डरती रे, जो कर सकती कर ले जा, वन मैन शो आएगी या सब औरतों को लेकर आएगी या जिसको लेके आएगी उसको लेकर आ, मारेगी मुझे मार, क्या करेगी कर, मैं अब चुप बैठने वाली, या मैं मर भी जाऊंगी ना तो भी अब मैं ये तेरी बात तेरा अपने ऊपर आने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं हमेशा उसको सोची थी कि मेरा घर संसार टूटेगा, इसलिए इतने साल से इसको छोड़ रही थी, और तेरे जैसी गंदगी, और तेरे को तो एकदम ही इग्नोर कर रही थी, क्योंकि मुझे सब कुछ मालूम है, ये वीडियो नहीं, वीडियो के पीछे का सब कुछ तेरा मालूम है, कि तू इतने, तू और तेरी लड़कियां इतने हद तक गंदगी है ना, इतने हद तक तुम नीचे गिर सकते हो ना, तुमको इतनी भी शर्म नहीं है कि एक औरत जात तेरी माँ, तेरी बेटियां बोलती ना कि मेरे को बोलती ना, मेरे बॉडी शेमिंग को लेके बात करती है,
मेरी तुम तेरी तेरी बेटियों को इतनी भी शर्म नहीं है कि एक इतनी बड़ी एज की औरत है, जबकि मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, हर बात सच बोल रही हूँ। उसके बाद तेरी लड़कियां इस हद तक बात कर रही हूँ, मुझे सब पहले से मालूम है, इसीलिए ना मैं 3 साल से ये बात को इग्नोर कर रही थी, ये बात में गंदगी में मुंह नहीं डालना चाहती। अब डाल ही दी तो अब डालने से भी, जब डाल ही दी तो फिर डर क्या, जो होएगा देखा जाएगा। चल मैं भी बैठे ली इधर और तू भी आ जा, समझी। और क्या बोलती है मेरे को कि क्या बोला रे तू, कमिश्नर तक लेटर डाला, वो सब भेजा उसने मेरे को। और गई नहीं थी सूरत, गई नहीं, वर्कर नहीं आई, बुलाया था ना तेरे को उससे, वर्कर आई ना, बॉन्ड वर्कर आई थी, उससे बोला मेरे को। और अहमदाबाद भी तो गई थी, और वीटू ने तो खुद वीडियो डाला कि देखो मेरे को यहाँ बुला रहे हैं, मेरे को वहां बुला रहे। तो बात तो सच्ची है, तो इतनी चिढ़ती क्यों है रे तू सच बात से? सच बात को एक्सेप्ट करना, जैसे मैंने एक्सेप्ट करी कि मैं तेरे को सच्ची दोस्त मानती थी, तो ये सब चीजों में विश्वास करी, उसको सच्चा मर्द मानती, भले बेईमान है। आज भी बोलती हूँ ना, देख आज भी हक हलाल से मैं उसकी औरत हूँ, और ये सच्चाई तू एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि सिर्फ तुम झूठ की जिंदगी जीते हो और तुम झूठे लोग हो। और अभी तो बहुत कुछ बाकी है, कर तू जितना कर सकती है। अब तो मैं देख बैठ गई हूँ, जो तू कैटेगरी की है ना उतनी तो मैं गिर नहीं सकती हूँ, उतनी जबान में बोल नहीं सकती हूँ। हाँ, लेकिन सिस्टमेटिक बात, लॉ कानून और एक लहजा, ये तरीके से मैं तेरी तो पूरी उतारूंगी। तूने मेरे को नंगेपन से उतारी ना, क्योंकि वो तेरी औकात है, वो तेरी कैटेगरी है, मैं वो उतने हद तक जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं खानदानी हूँ, मेरे बाप मेरे अंदर है ना खानदानी खून दौड़ता है, तो मैं चाके भी वो कैटेगरी में आ भी नहीं सकती हूँ। और तेरी लड़की बोलती है ना कि दुबई का सब मालूम है मेरे को, विला में कहाँ रहते थे, कौन सी गाड़ियां आती थी लेने, सब मेरे को मालूम है। तो वो भी वक्त आएगा तो मैं बताऊंगी। मुझे ये सब करने के लिए मैं YouTube पे ब्लॉग नहीं बना रही हूँ कि तेरी और लड़की की इज्जत बाहर निकालू या तेरी इज्जत बाहर निकालू, मेरे को ये सब करना ही नहीं। और मुझे सब मालूम है, A to Z मालूम है कि तुम क्या धंधा करते हो और तुम कितने हद तक गिरते हो और तुम कितने हद तक लोगों के ऊपर चढ़ते हो। और तू और तेरा मरा तो तड़ी पार तो थे नहीं मालूम, कितने केस बने ले तेरे ऊपर, सब मालूम है मेरे को। तो वो सब मैं करने के लिए इधर आई नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये बोली थी कि मैं ये सब चीजों में शामिल नहीं हूँ, और उसके बावजूद मैंने उसको दी तो मैंने वो चीज बोली। तो तू क्या बोली कि नहीं बिचारा, तेरे को कितना मालूम है ना वो बिचारेगा कि अभी भी तेरे साथ जुड़ा हुआ है, तूने अपने बात से देख बयान करी कि वो तो बोला मैं आना चाहता हूँ तो ये मेरे को मारेगी, मतलब तेरे साथ कंटिन्यू टच में और कंटिन्यू प्लान चल रहा है। लेकिन मैं सच्चाई बता रही हूँ लोगों को, तो तुम्हारी सुलग गई है, सुलगो मत, सच्चाई है ना, सच्चाई सर चढ़कर बोलती है और बोलेगी, और मैं हूं ना मैं दिखाऊंगी। और मुझे देख, मुझे तो पक्का पता है कि तुम मारने पीटने में और औरतों को लाके गाली गलौज करने में और एक औरत को गाली गलौज और गंदे लफ्जों में उसको गिराने में तुम PhD हासिल करे हो, ये सब चीजों की PhD है तुम्हारे पास, वो सब चीज मैं नहीं कर सकती हूँ, चाके भी नहीं कर सकती हूँ। हाँ ये तुम आएंगे ना तो तुम्हारा स्वागत जरूर करूंगी, आना तो सही, आना। तो ये लड़की बहुत बोलती है ना मेरे दिमाग में घूमती है, तो आना बेटा दिमाग में घूमती है तो जिंदगी में भी शामिल तो कर आके। और मैं झूठ की बल पे बात नहीं करती हूँ, समझी। अभी तो शुरुआत तूने बोली ना, शुरुआत मैंने की, मैंने शुरुआत नहीं की, अभी भी बोलती हूँ मैंने कोई शुरुआत नहीं की। मैंने तुमको बोला कि मैंने ये चीज दी तो तुमने वो चीज को अलग तरीके से ढंग से लोगों के सामने पेश किया कि मैं झोलर हूँ, ये दोनों मिलके झोल करते हैं, ये इसके साथ है। तुम्हें बताइए कि भाई मेरे को मेरे सामने ये पिक्चर लाया गया, कौन नहीं विश्वास करेगा। और देख मैं खानदानी हूँ ना, तो मैं अपने मर्द के साथ भले 50 साल की उम्र में शादी करी तो क्या हुआ, हमारे माँ बाप ने यही सिखाया कि मर्द जैसा भी हो उसके साथ जिंदगी निभाना चाहिए जब करे हो तो मैं उसके ऊपर सच्चे दिल से विश्वास करती थी, उसकी हर बात को अहमियत रखती थी। तो ये लड़की के जैसा नहीं भगोड़ी जो मर्द को सुला के बेडरूम से भाग कर आई भगोड़ी, समझी। खुले में बोलती हूँ रे तू खुला लिए ना, तो खुला लेके फिर बोलती मरद का मेरा मरद करोड़पति है, तो तू दो बात तू करती है मैं नहीं करती। देख मेरा आदमी दुनिया के सामने साबित हो गया कि नीच है बेईमान है, तो भी उसको हक से बोलती कि मेरा आदमी क्यों, क्योंकि मैं हक हलाल के निकामे हूँ उसके साथ। मैं ना सच में डरती थी, क्यों मालूम है, क्योंकि मैं ये गंदगी, मुझे मालूम था जरा भी मैं मुंह डालूंगी सच्चाई भी बोलने जाऊंगी ना तो सिर्फ गंदगी उड़ेगी। लेकिन ये जो मेरी अंदर हिम्मत है ना, तू जिनको मानती है ना बड़े पीर सरकार, ये वहीं से मेरे अंदर हिम्मत आई है। और तूने देखा भी होगा मैं बगदाद शरीफ से आने के बाद अचानक में मेरी जबान खुली और अचानक में मेरे अंदर वो हिम्मत पैदा हुई और मैं बोलना चालू करी और मेरे सरकार तो बैठे ही है।
तो जो होगा देख, तू बोलती है ना, जो होगा देखा जाएगा। तुम अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाले लोग हो तुम। जब मैंने इतनी बड़ी बात बोली तो तुमने उस बात को मजाक बना के लोगों के सामने पेश किए, तो अल्लाह की फटकार तो पड़ी। और तेरे चेहरे पे देख ना फटकार पड़ रही, तू मेरे चेहरे की बात करती है ना, तो तेरे चेहरे पे देख कितनी फटकार पड़ रही है। और अल्लाह दिखाएगा, सब दिखाएगा। जब अल्लाह ने ये वक्त लाया ना, तो जो आखिरत का वक्त होगा ना, वो भी दिखाएगा अल्लाह पाक। क्योंकि मुझे अल्लाह पे और गरीब नवाज पे भरोसा है, और बड़े पीर सरकार पे भी, क्योंकि मैं एक ही बार गई, तू तो 11 मर्तबा गई है ना, तो तू तो कैसी होनी चाहिए, तू कैसी है देख, तेरी जबान देख, तेरा लहजा देख, इतना 11 मर्तबा उनके पास जाके भी तेरी जबान देख और तेरे अंदर की औरत देख। मैं तो एक ही मर्तबा गई, और उसके बाद भी उनके उनके अंदर उनसे जो मुझे मिला है ना, वो मेरी जबान बताती है। मैं चाह के भी देख गंदगी बोल नहीं सकती, हाँ लेकिन तू जो बोलेगी ना, तहजीब से तमीज से जवाब भी दूंगी, और जब मेरा दिल करा ना, जो सच्चाई रिकॉर्डिंग हो या वीडियो दिखाने का, वो दिखाऊंगी भी। जा तेरे को जो समझ में आता वो कर, और मैं तो पक्का, मेरे को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, मेरे पर मेरे बच्चों पे कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है। तू तो बोलती थी, अब तेरी लड़की भी बोली कि मेरे दिमाग में घूमती है, तो बहुत अच्छा। और मैं तुम्हारे असलियत लोगों के सामने लाना चाहती थी, और आएगी तुम्हारी असलियत, बोलो बिंदास बोलो तू, समझी। अरे मेरे को पहले ये बता कि तू 3 साल से तो 15 लाख का ही मैटर करती थी, और सारी जगह पे 15 लाख का ही मैटर चलता था। और मैं खुद भी यही सोच रही थी कि ये 15 लाख का ही मैटर है, तो अभी तो एकदम तू कन्नी काट रही। जब मैं एकदम खुलासा कर दी कि भाई जो है तो आओ और लेके जाओ, तो तू एकदम कन्नी काट रही कि नहीं 15 लाख का तो मुझे पड़ी ही नहीं है। तेरी बेटी भी बोल रही कि हम 15 लाख का तो हक देते, तो फिर मैटर क्या है रे? जरा वो क्लियर कट बता ना कि मैटर क्या है, कि ये बुड्ढे को अलग करना चाहती थी कि फिर तू मेरे को लेके जाके सब क्लबों में लेके जाके शो करके कमाना चाहती थी, या फिर ये 15 लाख का मैटर फंसा के कुछ और गेम खेलना चाहती थी? मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। मैं तो अभी तक भी यही समझ रही कि 15 लाख का मैटर, और 15 लाख के मैटर के लिए मैं ये सब चीजों में बातें कर रही थी। अभी मैं इसकी ये बातें सुन के 15 लाख की पड़ी नहीं, मैं खुद शौक पड़ गई हूँ कि बापरे ये मतलब मैटर क्या है, ये भी क्या है क्या नहीं। मैं खुद शौक हो गई। कभी बोलती है ये 15 लाख दी, तो जब भंगड़ी चोर का बताई तो अब बात पलटती कि वो आने वाला है, वो बोलने वाला है, इसलिए इसने ये चालू करी है। मैंने इसके लिए उसके लिए नहीं चालू करी, मैं थक गई हूँ। क्योंकि तुम लोग वीडियो में जो बताते वो अलग है, और उसके बाहर भी जो बातें करते ना वो अलग है, तो मैं ये दोनों चीजों से थक गई हूँ ना, इसीलिए मैं लोगों के सामने जो तुम बताने की कोशिश करते हो, जबकि वो कोई चीज मानते नहीं, साबित भी नहीं होता है। तुम जैसे कैटेगरी के लोग ही जो बैठ के अपना चैनल चलाते ना, बस वही चल रहा है। तो मैंने बोला नहीं, अब ये बहुत हो गया, हद से ज्यादा हो गया, तो इसको अब क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं ब्लॉग के जरिए बताने लगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था यार कि इतनी बड़ी ताकत मेरे पास है जो मैं अपनी सच्चाई दिखा सकूं। तो मैंने वो करी, अब पता चला कि वो मैटर ही नहीं है 15 लाख का, क्योंकि तू कन्नी काट रही, मतलब तू कहीं ना कहीं झूठी है, और तू झूठ से ही काम करती है, और तेरे साथ में ये सब मिले हुए है। और ये अभी मुझे अभी एंड में पता चला कि ये बंगड़ी चोर भी तेरे साथ मिला हुआ है। और तू तेरी मेरी बात करना, दुनिया की क्या बात करती है, और लोगों को क्या भड़का रही है कि मैंने गणपति को गाली दी। मैं कभी जिंदगी में वो कर नहीं सकती हूँ। और जहाँ सुन, जहाँ इसका मुझे क्लियर करना था ना, मैं बहुत पहले क्लियर करके आके बैठी हूँ। और तू ये लोगों को ना इमोशनली बातें मत कर, और इमोशनली बातें करके जो अपनी कन्नी काट रही ना, वो कन्नी मत काट, जो तेरी मेरी बात है ना वो बात कर। और तेरे को यही आता है लोगों को इमोशनल करना, झुंड बना के बात करना, एक झुंड बना के किसी को, एक इंसान को झुंड बना के किस तरीके से गिराना, और सब मिलके बाहर, ये तो वीडियो में करते तुम लोग, बाहर आके उसके ऊपर चढ़ के उसको मारना, उसको सच में नंगा करते तुम लोग, औरत को सच में नंगा करते तुम लोग, जबान से नहीं सच में उसके कपड़े फाड़ के मारते तुम लोग ऐसे लोग।